हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सिंधु सिंह ब्लॉग्स में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, ऐसे ही कुछ अच्छी अच्छी बातों के साथ आज फिर आप लोग से मिलने आई हूँ। तो गाइस, आज बात करते हैं जो हमारे भाई बहन, जो बच्चे बहुत दिन से अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं दवा के साथ साथ थोड़ी दुआ भी काम आती है। ये हमारी पुरानी प्रचलित है कि दवा के साथ दुआ भी काम आती है। तो बच्चे तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, हम औरतें, हम माँ, आप बच्चों भी कर सकते हो, हमारे भाई बहन सभी इस चीज़ को कर सकते हैं। आपको थोड़ा भी भगवान में विश्वास हो, थोड़ा भी गाइस भगवान में विश्वास हो, तो आप कुछ भी मत कीजिए। कुछ ज़्यादा कुछ आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी तामझाम मैं नहीं बता रही हूँ करने की। सिंपल अपने घर में पूजा पाठ सभी के घर में होता है, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में किसी के घर में पूजा पाठ नहीं होता हो, सभी के घर में पूजा पाठ होता है, किसी के घर में ज़्यादा होता है, किसी के घर में कम होता है। तो भाई बहन गाइज, अगर आप लोग थोड़ा भी भगवान में विश्वास रखते हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी का पूजा कीजिए, सुंदर कांड का पाठ कीजिए। गाइज, आप करके देखिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें करेंगे मिल करके। तो आप बच्चे, औरतें, हम सभी भाई बहन कर सकते हैं इस चीज़ को। जेंट्स भी कर सकते हैं, लेडीजें भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी तामझाम की बात नहीं है कि हमें कुछ ज़्यादा करना है। मंगलवार को आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, एक बार अच्छे से हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, और उसके बाद आपके पास जितना टाइम हो, अगर टाइम है तब तो आराम से पूरा सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो शुरुआत के सुंदरकांड के 1 से 2 पेज आप पढ़ लीजिए, और फिर दूसरे दिन नेक्स्ट आगे से पढ़ लीजिए आप। तो ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ सकते हैं, है ना, हम रोज़ भगवान के संपर्क में रह सकते हैं। कहा गया है गाइज कि करने से तो हर चीज़ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो भगवान क्या हमारे दुश्मन थोड़ी हैं कि अगर हम अच्छा कुछ कर रहे हैं तो भगवान हमें सफलता नहीं देंगे, जरूर देंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ गाइज कि मैंने किया है, मैं की हूँ, मुझे बहुत सफलता मिली है इस चीज़ में। आज मंगलवार था, शाम को नहा धो के मैं सुंदरकांड का पाठ की याद आया तो मैं सोची आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ ब्लॉग बनाकर। ये बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, मैं बहुत थोड़ा अच्छे से आराम से बता रही हूँ आपको, बहुत आराम से आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई तामझाम नहीं करना है आपको। अगर आपके पास टाइम है तो सुबह नहा धोकर लाल वस्त्र पहनिए, ये सभी जानते हैं कि हनुमान जी को लाल वस्त्र पसंद है, हर चीज़ लाल पसंद है उनको, हनुमान जी को लाल चीज़ पसंद है, लाल वस्त्र पहन लिया। अगर आपके पास है नहीं है तो जो है वही पहन लीजिए, कोई बात नहीं। और लाल प्रसाद का भोग लगाइए, उस प्रसाद में गुड़ जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लड्डू लाना, ये लाना, वो लाना, नहीं, भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप इतना तामझाम करके मेरी पूजा करो, नहीं, आप सिर्फ गुड़ है तो गुड़ का ही भोग लगाइए हनुमान जी को। अगर आपके पास टाइम है तो सुबह बैठ के आराम से 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, आराम से आप कर सकते हैं। अगर नहीं है, आपका बिजी शेड्यूल है, तो आप शाम को कर सकते हैं। मैं भी सुबह नहीं कर पाती हूँ गाइज, मैं भी शाम को ही करती हूँ, आराम से शांति से शाम को नहा धो के दिया बत्ती कर लीजिए, और करके आराम से शांति से बैठ के पाठ कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा पाठ कीजिए, नहीं टाइम है तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए और शुरू के 1 से 2 पेज पढ़ लीजिए। बस आपको ध्यान कहाँ देना है गाइज, कि जब आप पाठ कर रहे हों तो जब आप छोड़ रहे हों 2 या 3 पेज पाठ करके, तो उसको दाहिने साइड फोल्ड करके छोड़िए, दाहिने साइड आप मोड़ दीजिए उस पेज को, और नेक्स्ट डे उसी आगे से आप स्टार्ट कीजिए। कभी भी बाएं साइड पाठ को नहीं छोड़ना चाहिए, आप लोग को ये अच्छे से पता होगा कि हर बायां चीज़, हर लेफ्ट चीज़ अशुद्ध होता है ना। तो हम ये छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं अपने पूजा पाठ में, ऐसा नहीं करते हैं,
ऐसा नहीं करना चाहिए। आप दाहिने साइड पेज को मोड़ करके छोड़ दीजिए और अगले दिन अगर आपके पास टाइम है तो अगले दिन कीजिए, नहीं तो अच्छा है कि आधा आप मंगलवार को कर लीजिए और आधा शनिवार को कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो एक साथ पूरा पाठ कर लीजिए, आराम से शांति से एक डेढ़ डेढ़ घंटे पौने दो घंटे के अंदर आरती उरती सब हो जाता है। जब आपका पाठ समाप्त हो जाए गाइस, तो कपूर की आरती कीजिए। हमारे सभी सभी के घरों में कपूर जरूर जलना चाहिए। कपूर जलने से हमारे घर की परेशानियाँ, छोटी छोटी परेशानियाँ, दुख कष्ट ये सब खत्म होता है। अगर आप सक्सेस हो, अगर आप कर सकते हैं तो डेली ही कपूर की आरती कीजिए, बिकॉज कपूर थोड़ा कॉस्टली आता है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार को ज़रूर, अगर है सक्षम तो कीजिए, नहीं तो एक ही कपूर जलाइए, लेकिन अपने घर में कपूर की आरती कीजिए। आप करके देखिए, एक से दो महीने कीजिए, फिर देखिए आपको सफलता कैसे मिलता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने किया है गाइज, तभी मैं आपको बता रही हूँ, करना चाहिए। ये कोई तामझाम वाली बातें नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, सभी महिलाएं कर सकती हैं, सब बच्चे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है, कर सकते हैं। हमारी कितनी भी बिजी शेड्यूल हो, हम थोड़ी टाइम तो निकाल ही सकते हैं ना, उसमें से थोड़ी टाइम निकाल सकते हैं, निकाल के करेंगे और आप करके देखिए, 100% सफलता मिलेगा। पढ़ने वाले बच्चों को 100% सफलता मिलेगा, उस सफलते को कोई रोक नहीं सकता है। हनुमान जी में बहुत शक्ति है गाइज, बहुत शक्ति है, करना चाहिए सभी को, थोड़ा थोड़ा ही करके लेकिन करना चाहिए, है ना। अगर आप लोग को ये मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिए, है ना। अगले ऐसे ही अगले नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी अच्छी आप बातें करेंगे आके, जल्दी ही मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।